फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और मन कर रहा है कि गर्मा गर्म एक मसाला चाय हो जाए। तो चलिए देखते हैं मसाला चाय बनाना मेरे स्टाइल में, यानी बंगाली स्टाइल में। अगर चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बेल के साथ। यहाँ पे मसाला चाय बनाने के लिए मैंने सॉस पैन पे हाफ कप पानी डाला है और 2 कप दूध डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे 2 कप चाय बना रही हूँ। और यहाँ पे मसाले में मैंने लिया है अदरक, दालचीनी का 1 टुकड़ा, 2 लौंग और 2 इलायची और 1 तेज पत्ता मैं डालूँगी इसमें। तो सारा मसाला मैंने कूट लिया है और दूध में डाल दिया है। और दूध में डालने के बाद मसाले को दूध को 1 से 2 मिनट तक मैं उबालूँगी। और चीनी भी मैं उबाल आने से पहले ही डालती हूँ चाय में। तो 2 चम्मच चीनी मैंने डाल दिया है और अच्छे से दूध को उबालूँगी 2 से 3 मिनट, ताकि मसालों का फ्लेवर अच्छे से दूध में आ जाए। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच चाय की पत्ती। और चाय की पत्ती डालने के बाद लो फ्लेम में अच्छे से बॉयल करना है 4 से 5 मिनट तक बॉयल करना है, ताकि ये मसाला का फ्लेवर अच्छे से आ जाए उसमें। और चाय पत्ती का भी जो फ्लेवर होता है ना, वो भी चाय में बहुत अच्छे से आ जाता है अगर आप चाय को लो फ्लेम में अच्छे से उबालते हो। और बस चाय बन गया 5 मिनट में और स्ट्रेन कर रही हूँ चाय को। आप सबको तो पता ही है स्ट्रेन करना है चाय को। और यहाँ पे हमारा गर्मा गर्म मसाला वाला चाय बन के तैयार हो गया है। मैं चाय को कप में डाल रही हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हो कितना अच्छा आया है चाय का कलर। बारिश के मौसम में और ठंड में या फिर सुबह सुबह भी किसी को चाय पीने की आदत होती है, इस तरह का मसाला चाय मिल जाए तो बस क्या बात है। चाय के साथ मैं खा रही हूँ बिस्किट। तो आप लोगों को पिला तो नहीं सकती हूँ, आप लोग देखो और मैं पीऊँगी अभी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।